हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर पी गाइड इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी और स्टूडेंट की जितनी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है उसको भी आप लोगों को बताऊँगी पिछले की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूनिट फर्स्ट के थे जो कि वेक्टर एल्जब्रा था फिजिक्स का उसको आप लोगों को बता चुकी हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाइए प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप वहाँ से वीडियो वॉच कर सकते हैं आज की वीडियो में हम यूनिट टू फिजिक्स का वेक्टर कैलकुलस का डिस्कस करेंगे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है ये वो सारे क्वेश्चंस हैं सॉल्ड एग्जांपल्स हैं पी वाई क्यूज हैं और वो सारे क्वेश्चंस हैं जिसके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है ठीक तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन डेरेवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड ऐट द पॉइंट इन द डायरेक्शन टू आई कैप प्लस टू जे माइनस के कैप ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरेवेटिव फाइंड आउट करना है एंड मैक्मम यूनिट वैक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू शो डैट डेल स्क्वेयर आर की पावर एन इज इक्वल टू एन एन प्लस वन आर की पावर एन माइनस टू वेयर एन इज़ कॉन्स्टेंट ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है तो आप इसको करके ज़रूर जाइएगा ठीक क्वेश्चन नंबर थर्ड है जनरली सभी क्वेश्चन करके जाइएगा ताकि आप लोगों को एग्जाम में अगर ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उसे कर सकें ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई द गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम फॉर द फंक्शन गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम को वेरीफाई करना है गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम मैंने ऑलरेडी ही इस चैनल पे अपलोड कर दिया है अगर आपने नहीं देखा है तो उसको बहुत ही शॉर्ट वे में मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट बताया हुआ है और उसका प्रूफ भी दिया हुआ है ठीक तो उसमें वेरीफाई किया गया है फंक्शन दिया गया है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप ओवर द सिलेंडिकल रीजन एस है जो कि बाउंडेड बाई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जेड इज इक्वल टू ज़ीरो एंड जेड इज इक्वल टू एच क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है इवेल्युट करना है सरफेस इंटिगल एफ डॉट डी एक्स को जहाँ पर एफ़ की वैल्यू दी गई है एफ़ फोर एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप माइनस एक्स जेड के कैप एंड एस इज़ द सरफेस ऑफ द क्यूब बाउंडेड बाई द प्लेन एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू टू जेड इज इक्वल टू जीरो जेड इज इक्वल टू टू एफ़ डॉट डी एक्स इसमें निकालना है हमें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लेते हैं इवेल्यूएट करना है वो इंटीग्रल वॉल्यूम वॉल्यूम इंटीग्रल एफ डी वी इज इक्वल टू फंक्शन दिया गया है इसमें सरफेस इंटीग्रल निकालना था इसमें वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है इसमें फंक्शन दिया गया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड वी इज द रीजन बाउंडेड बाय द सरफेसेस एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू सिक्स एंड जेड इज इक्वल टू फोर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्यूएट करना है सरफेस इंटीग्रल f डॉट एन कैप डी एक्स जहाँ पर f वेक्टर दिया गया है जेड आई कैप प्लस एक्स जे कैप माइनस थ्री वाई स्क्वायर जेड के कैप एंड s इज़ द सरफेस ऑफ द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू सिक्सटीन इंक्लूडेड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट बिटवीन z इज इक्वल टू जीरो एंड z इज इक्वल टू फाइव और भी क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन इवेलुएट करना है कर्व इंटीग्रल एफ डॉट डी आर का वेयर एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयेर प्लस वाई स्क्वेयर आई कैप माइनस टू एक्स वाई जे कैप कर्व सी इज द रेक्टेंगुलर इन एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाय वाई इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू बी एंड एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो क्वेश्चन नंबर एट है फाइंड करना है डेल डॉट एफ वैक्टर एंड डेल क्लॉस एफ वैक्टर डाइवर्जेंस भी निकालना है कर्म भी निकालना है एट द पॉइंट दिया गया है वन कॉमा माइनस वन कॉमा वन इफ़ एफ फैक्टर हमारे पास दिया गया है एक्स जेड क्यूब आई कैप माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई जेड जे कैप प्लस टू वाई जेड की पावर फोर के कैप। क्वेश्चन नंबर नाइन देख लेते हैं इफ़ f फैक्टर इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई कैप देन करना है कर्व कर्व इंटीग्रल को f डॉट को वेयर सी इज़ दर्व इन एक्स वाई प्लेन कंसिस्टिंग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम जीरो कॉमा जीरो से टू कॉमा जीरो तक जा रहा है देन फिर टू कॉमा ज़ीरो से थ्री कॉमा टू तक जा रहा है क्वेश्चन नंबर टेन देख लेते हैं इवेल्यूएट करना है ए डॉट डी आर को जहाँ पर ए की वैल्यू दी गई है ए वैक्टर की वाई जेड प्लस टू एक्स आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई प्लस टू जेड के कैप अलॉन्ग द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड वन Z is equal to one from zero one one टू one zero one इन द पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जा रहा है क्वेश्चन नंबर अलेवन देख लेते हैं इवेल्यूएट करना है एफ वेक्टर एंड कैप डी एस जहाँ पर एफ वेक्टर की वैल्यू दी गई है और एस क्या है सरफेस ऑफ द स्पेयर है एब द एक्स वाई प्लेन में जिसकी इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायेयर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देख लेते हैं इफ़ फाई इज इक्वल टू टू एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई इवेलुएट करना है फाइ डी आर को अलोंग द पाथ दिया गया है पहले जीरो कॉमा जीरो मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है फिर कहाँ तक जा रहा है वन कॉमा वन कॉमा जीरो फिर जा रहा है वन वन ज़ीरो फिर वन 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 और भी क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन आप लोग इन सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में अगर ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग ज़रूर कर लेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टीन है राइट द गॉस डाइवर्जन थ्योरम एंड ग्रीन्स थ्योरम ये दोनों थ्योरम मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अगर आपने नहीं देखा है मेरे चैनल पर जाइए प्ले बनी हुई है फिजिक्स की वहाँ से देख सकते हैं ठीक राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है राइट डाउन द फर्स्ट एंड सेकेंड आइडेंटिटी ऑफ ग्रीन्स थ्योरम एंड प्रूफ देम ऑल्सो देखा प्रूफ भी इसका पूछ लिया और इसका फर्स्ट और सेकेंड आइडेंटिटी बतानी ग्रीन्स थ्योरम की ठीक क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है प्रूफ डैट वॉल्यूम इंटीग्रल डेल वेक्टर फाइव डी वी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल फाइव एंड कैप डी एस क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देख लेते हैं इवेलुएट यूजिंग ग्रीन थ्योरम ग्रीन थ्योरम के यूज से हमें इसे इवेलुएट करना है क्लोज कर्व एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई वेयर सी इज़ द क्लोज कर्व बाउंडेड है जो कि वाई वाई इज इक्वल टू एक्स है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है और क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है शो डैट आर वेक्टर क्रॉस डी आर वैक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस डी आर अपॉन आर स्क्वायर वेयर आर वेक्टर इज इक्वल टू आर डॉट आर कैप क्वेश्चन नंबर थर्टीन है वेरीफाई स्टोक थ्योरम स्टोक थ्योरम भी मैंने इस चैनल पे कराया हुआ है अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं वेरीफाई करना है स्टोक थ्योरम जिसमें ए वैक्टर की वैल्यू दी गई है और एस क्या है अपर हाफ ऑफ द स्वेयर है जिसके क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन एंड सी इट्स इट्स बाउंड्री उसकी सी जो है उसकी बाउंड्री है सिलेंडर की स्फ़ेयर की सॉरी ठीक क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस चेड के कैप शो डैट कर्ल ऑफ आर जो होता है वो ज़ीरो होता है ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो आप लोग इसको करके ज़रूर जाइएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है इवेलुएट करना है इंटरकल दिया गया है जो कि वन से टू की तरफ जा रहा है e की पावर टी आई कैप प्लस टी स्क्र जे कैप माइनस ई की पावर माइनस टू टी के कैप डी टी इसको इवेलुएट करना है और भी क्वेश्चनस है देख लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है इफ़ एफ वेक्टर दिया गया है और इवेल्यूएट करना है एफ डॉट डी आर को अलॉन्ग कर्व सी इन द एक्स वाई प्लेन वाई ये क्वेश्चन दिया गया है वाई इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर पॉइंट दिया गया है जीरो कॉमा जीरो से वन कॉमा टू से अब जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब वेरी शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्या है डिफाइन लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल क्या होता है उसके डिफिनेशन को आप लोग को डिफाइन करना है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है राइट डाउन द कर्ल ऑफ एन इोटेशनल वैक्टर इोटेशनल वैक्टर का कर्ल आप लोगों को लिखना है फिर पूछ लिया करता है इवेल्युएट डेल वेक्टर डॉट टू एक्स स्क् जेड आई कैप माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड जे कैप प्लस थ्री वाई जेड स्क्वायर के कैप क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फ़ाइव है इफ़ ए वेक्टर इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर अगर ए वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर है तो हमें प्रूफ करना है कि डेल वेक्टर आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज़ इक्वल टू ए वेक्टर मैं आप लोगों को वही सारे क्वेश्चंस बता रही हूँ जो एग्ज़ाम में अगर ट्वेस्ट करके भी पूछ लिया करें तो यही क्वेश्चन आ भी सकते हैं तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है इफ़ फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू टू एक्स जेड की पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई फाइंड डेल फाई एट द पॉइंट टू कॉमा माइनस टू माइनस वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन दिया गया है अगर इफ़ एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप इज अ डिफरेंशियल वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड देन प्रूव डेट डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू del बाई डेल एक्स एफ वन प्लस डेल बाई डेल वाई एफ टू प्लस डेल बाई डेल जेड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन है इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू कॉस एन टी आई कैप प्लस साइन एन टी जे कैप वेयर एन इज़ अ कांस्टेंट देन शो दैट ए वेक्टर क्रॉस d बाई डी ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू एन डॉट के कैप ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा मैं आप लोगों को इसके सॉल्यूशंस भी जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी पहले सारे यूनिट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी फिर उसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते चलूँगी तो आप लोग को एग्ज़ाम के टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे ही और भी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो आप लोग मेरे चैनल पर जाइए प्ले भी बनी हुई है आप वहाँ से देख सकते हैं आप लोगों को वन शॉट वीडियो भी आप लोगों को इसी चैनल पे मिल जाएगा ठीक नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए गुड बाय एंड स्टे सेफ